चैनल, दिस इज शैरल भल्ला और आज मैं सबके लिए लेके आई हूँ एक और नई मेकअप वीडियो. सो ये है मेरी कज़न पलक. हेलो. और ये आई है देहरादून से और मैं आज इसी का मेकअप करने वाली हूँ. सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले मैं इसका फेस क्लीन कर चुकी हूँ ऑलमोस्ट सारा, जितना भी मेकअप था वो हमने सब कुछ उतार लिया है. अब हम अपना मेकअप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले मैं इसका फेस मॉइस्चराइज करूँगी. तो मेकअप स्टार्ट करने वाली हूँ गाइज मैं. तो सबसे पहले जो मॉइस्चराइजर है वो मैंने ऑफ स्क्रीन लगा लिया. तो मैं फाउंडेशन से स्टार्ट कर रही हूँ, मैं कोई भी सीरम वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि सीरम जो है मैं अपने फाउंडेशन में ही ऐड करूँगी क्योंकि पलक का फेस ज़्यादा ड्राई नहीं है, ऑयली है. निकल जा. तो थोड़ा सा सीरम मैं अपने फाउंडेशन में ही मिक्स करूँगी. तो सीरम मैं यूज़ करूँ यहाँ पे ये गुड वाइब्स का रोज़हिप सीरम. बहुत ही अच्छा सीरम है, बहुत ही अच्छा है. अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप सब ये मैं आपको रिकमेंड करूँगी, आप ये यूज़ कर सकते हैं. तो मैं ज़्यादा नहीं, केवल एक ड्रॉप सीरम की इसमें ऐड कर रही हूँ अपनी फाउंडेशन में. तो मैं इसकी पूरे फेस पर डॉट डॉट करके फाउंडेशन लगा दूँगी सबसे पहले. तो हेयर बैंड दे दो तुझे. पिन है वैसे. नेक को कवर करना बिल्कुल नहीं भूले. अब विंटर्स है, अगर आपकी स्किन ड्राई नहीं भी है, विंटर्स है, तो आप तब भी अपनी उसमें फाउंडेशन में जो है कोई भी फेशियल ऑयल यूज मिक्स कर सकते हैं यूज करने के लिए. बहुत ही ड्यूई सा मेकअप हो लगता है उससे. तो ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से मैं स्प्रेड कर दूंगी इसकी स्किन में. डैबिंग मोशन में ब्यूटी ब्लेंडर चलाना है हमें. सो नेक्स्ट मैं यूज करने वाली हूँ कंसीलर. तो जहाँ जहाँ पलक के डार्क सर्कल्स हैं, पिगमेंटेशन है, वहाँ वहाँ मैं इसको यूज़ करूँगी. हर जगह ही है वो तो. अभी तो आके खोल सकती है अभी तो, मतलब कंसीलर देखेगी तो पूरा कैसे कैसे काका लगा रही हूँ. लला लला लला. तो अगेन ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसको ब्लेंड करूँगी. तेरा बहुत अच्छा मेकअप करूंगी पलक में. हाँ मेरा पहला मेकअप है ऐसा वाला. आई मेकअप हैवी कर दियो. हैवी कर दो आई मेकअप. नहीं मतलब अच्छा सा, मुझे आई मेकअप अच्छा सा करेंगे ठीक है, डोंट वरी. सो नेक्स्ट मैं पलक के फेस को करूंगी बेक. तो उसके लिए मैं लूज पाउडर यूज करूँ. ऑयली इसकी स्किन है, स्किन इसकी ऑयली बहुत ज्यादा ऑलरेडी. पलक ऊपर देख. सो नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं आई मेकअप. खांसी आ रही है, कोल्ड और मुझे भी कोल्ड हो रहा है. अगर हमारी आवाज़ आपको अजीब तरीके से सुनाई दे, भारी भारी सी, तो इग्नोर करें प्लीज़. दिल्ली की सर्दी में पूरी फैमिली को हो रहा है. तो सबसे पहले मैं इसकी ब्रोज फिल करने वाली हूँ. आईब्रोज बनवाई ना तूने? नहीं बनवाती, पता कितनी अच्छी बनती इसने. गाइस अभी तक अपनी लाइफ में आईब्रोज नहीं बनवाई, राइट? नेक्स्ट मैं टेप से साइड में एजेस बनाऊंगी. आंखें बंद करो. हाँ इक्वल एजेस बनाऊंगी टेप से ताकि जो इसकी आईज है ना बिल्कुल इक्वल शेप आए. सो टेपिंग कर ली है. अब मैं इसके आई ट्रांजिशन लाइन पे एक ऑरेंज कलर लगा रही हूँ. वो कौन गया? अच्छा ठंडा लगेगा. नीचे देखो थोड़ा सा.
तो मैं इसके ट्रांजिशन लाइन पे जो है ऑरेंज कलर प्लेस कर रही हूँ, तो एक बेस बन जाए ताकि पहले तेरी आंखें बहुत सुंदर है। अगर आपको दिख रहा है तो मैंने इसकी जो ट्रांजिशन लाइन पे है थोड़ा सा आगे हो जा ऑरेंज कलर जो है कर दिया है, ये देखिए। सो अब मैं इसके बाद थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर लेके वो प्लेस करूंगी इसके आउटर वी पे। मुझे नॉर्मल हो जा, तो मैं डार्क ब्राउन लेके इसके आउटर वी पे प्लेस कर रही हूँ, तो हम थोड़ा सा स्मोकी लुक दे रहे हैं। सो कट क्रीज के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ इसके हाफ आईलेट पे कंसीलर, उसको फिर मैं एक ब्रश की हेल्प से स्प्रेड करूँ। तो जहां जहां मुझे कलर चाहिए ग्लिटर का, बस वहीं वहीं पे हमें जो है कंसीलर अप्लाई करना है, क्योंकि जहां जहां पे हमें कलर चाहिए वहीं वहीं पे हमें कंसीलर अप्लाई करना है। तो ये देखिए दूसरी आई पे भी हम सेम कर लेते हैं। कंसीलर अप्लाई हो गया है, भला कैसे दिखा कंसीलर अप्लाई हो गया कैसे दिखा रहे हैं तो मेरे को तो कुछ पता ही नहीं, जैसे मेरा मुंह इधर इधर किया वैसे हो रहा है। तो देखो जो कट क्रीज है वो कितने अच्छे से अप्लाई हो गई है। सो अब इसके ऊपर हम प्लेस करेंगे ग्लिटर। सो यहाँ पे मैं हिलेरी रोडा का जो है ग्लिटर अप्लाई करूंगी, लिक्विड ग्लिटर है, आप ना सूखा वाला भी यूज कर सकते हो अगर आपके पास लिक्विड नहीं है तो। तो ये सबसे अच्छा तरीका है कट क्रीज ड्रॉ करने का। आईज क्लोज रखा तो सिंपली मैं जो ग्लिटर है यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ। बेस तो हमने बना ही लिया था, सिंपली ग्लिटर प्लेस करके इसको ब्रश की हेल्प से स्प्रेड करूंगी। मैं अगेन एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ और वही जो डार्क ब्राउन कलर हमने पहले लिया था फिर से उसको इसकी मैं आईज पे आईलाइट के वी कॉर्नर पे लगाऊंगी और थोड़ा सा ग्लिटर के साथ मर्ज करूंगी, ताकि यहाँ से अलग अलग ना दिखे दोनों चीजें, मर्ज दिखे आपस में। ये तो देख चलो अब ना मैं इसकी आईज पे लगाने वाली हूँ लाइनर। तो यहाँ पर मैं लिक्विड लाइनर यूज कर रही हूँ एन वाई बेगा। यस पलक यू आर राइट। तो लाइनर लगाऊंगी मैं अच्छा सा सुंदर सा। यहाँ पे एक लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ मैं। लाइनर जो है मैंने लगा दिया, अब मैं फॉल्सेस अप्लाई करने वाली हूँ। तो फॉल्सेस अप्लाई करने के लिए इसके लिए मैं ले रही हूँ ग्लू और कॉर्नर्स पे अच्छे से ग्लू लगाए। अगर आप कॉर्नर्स पे अच्छे से ग्लू नहीं लगाओगे ना उतर जाएगी वो थोड़ी देर में। और लैशेस को पहले अपने साइज की आप ज़रूर काट लें। सो सबसे पहले कॉर्नर से चिपकाए, रुक जा। मुझे आज पता चला कि लड़कियों का मेकअप 2.5 किलो का क्यों बोला जाता है। क्यों? लैशेस आने 2.5 किलो की भारी भारी लग रही लगा के। हाँ लैशेस लगा के होता थोड़ा सा। चल आके खोल मस्कारा लगाऊं। दोनों नीचे वाली लैशेस और ऊपर वाली लैशेस को हमें मर्ज करना, थोड़ा थोड़ा सा मर्ज हो जाएगी ना आपस में तो बिल्कुल नेचुरल लगे, अलग से ना दिखे। पूरी खोल आके, खुल रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं हो रही है तो बता दियो। खोल खोल। सो पलक के लैशेस लगा दिए। अब मैं एक ब्रश लेके ना पलक के नीचे लोअर लैश पे भी थोड़ा सा ना आई शेडो अप्लाई करने वाली हूँ ताकि बैलेंस लगे।
पहले ऊपर देखो। तो अब हम करेंगे, क्या करेंगे हम? कंटूर। यस पलक, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैंने सारी वीडियोस देखी है ना, तो मुझे याद है थोड़ा थोड़ा। अच्छा कर फिश फेस बना, वैसे तेरा चेहरा पतला और पतला लगेगा। ये जो सब बोल रहे हैं नीचे, सारे लोग कमेंट कर करके मेरी बेइज्जती करेंगे बाद में। हद होगी, फिर अगली वीडियो बनानी पड़ेगी फेड कमेंट्स पे। तो दिल्ली आ जाइए दोबारा, लोगों को जवाब देने, जनता जवाब मांगती है ना। नोज कंटूरिंग करेंगे, ताकि इसकी नाक भी पतली लगे। यस इट वर्क्स। और अगर आपका फोरहेड बड़ा है तो आप फोरहेड पे भी कर सकते हो, जॉ लाइन पे भी कर सकते हो। जॉ लाइन पे कर दो, जॉ लाइन अच्छी आएगी। और आपका जहां मन करे ना आप वहां कर लो। एक्चुअली नेक्स्ट मैं अप्लाई करने वाली हूँ ब्लश। सो ब्लश के लिए लीजिए एक फ्लफी ब्रश और पिंक। कैसे करना फेस? कैसे नहीं हंसना है, स्माइल। ओह माय गॉड, ये तो बहुत पिगमेंटेड है। मुझे कुछ नहीं दिख रहा कैमरे में। चीकी चीकी, बस लोगों को ना दिखे रात का खाना। सो ब्लश अप्लाई हो गया है। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई मेरा फेवरेट हाइलाइटर। ओके, मेरा मोस्ट फेवरेट है ये। ये भी हॉल में था ना लास्ट वाले? हाँ, नायका हॉल। यस नायका हॉल में था। ये मेरा फेवरेट है बहुत ज्यादा ब्लशिंग करना। चमका दिया मैंने तेरे को, चमक रही है। बिना नहाए नहीं लिया सर्दी बहुत है, सर्दी बहुत है। ये सीन मैं ये सीन में बिल्कुल भी एडिट नहीं करने वाली। ये आज नहीं है। अब मैं लगा रही हूँ इसको काजल, एंड मैं बेकर काजल है, बहुत ही अच्छा काजल है, हाईली रिकमेंडेड है ये। है द बिग एप्पल ऑफ माय आई, बहुत ही अच्छा काजल है, बहुत पिगमेंटेड है। भी यूज किया, किया यूज, ये देखो दो दिन यहाँ पे यूज, एक ही स्वाच में जेड ब्लैक ये देता है पिगमेंटेशन। सो हाईली रिकमेंडेड। तो यही काजल मैं इसकी आईज में अप्लाई करने वाली हूँ, और बहुत ही अफोर्डेबल है, सेल में रहता 24 घंटे। वैसे जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए हैं सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो का ही लिंक दे दियो। यहाँ पे दो तीन लिपस्टिक्स हैं, ये नायका की है और ये पर्पल की न्यूड शेड है। तो मैं इन दोनों को मिक्स करके इसके अप्लाई करूंगी, और ज्यादा ब्राइट शेड नहीं लगाऊंगी क्योंकि वैसे जो इसकी आईज है वो ज्यादा मैंने बोल्ड कर दी है, तो जो लिपस्टिक है वो थोड़ा सोबर ही लगाऊंगी तो अच्छा लगेगा। तो मैं दोनों शेड को मिक्स करके इसकी लिप्स पे मैं प्लेस करूंगी। ये लिप शेड बहुत अच्छा बन रहा है दोनों को मिक्स करके। अब क्या बचा है? क्या बचा है इसके बाद? हाँ, अब इसके बाद बचा है मेकअप फिक्स करना। तो उसके लिए हम यूज करेंगे मेकअप फिक्सर, जो अगेन NYB का है, क्योंकि अच्छा यार ये बहुत अफोर्डेबल है ब्रांड, कोई भी आराम से परचेज कर सकता है इसको। सो आंखें बंद, हाँ आंखें बंद कर ले, बस अभी बंद रख। मेरी नाक बंद रख, बंद रख, ये अभी उड़ जाएगा।
गाइज आई होप आप सबको इसका फाइनल लुक अच्छा लगा होगा. तुझे कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मैंने तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना इस वीडियो को. आप भी कर देना अगर आपको अच्छा लगा है तो. यस सो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय.